बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम हुरूफ तहजी में दाल को सीखेंगे। दाल, दाल की आवाज है द, द। ये उर्दू का 11वां हुरूफ है। द, दांत, दांत, द, दांत। दाल से की आवाज क्या है? द, दांत। दांत जो है वो दो आवाजों में आ रहा है, दांत। और नून जो है वो साइलेंट है, यानी नून गुन्ना है यहाँ। दांत, दा दरख्त, दा दरख्त, दा रख्त। दो आवाजों में आ रही है, दा रख्त, रेखे द रख्त, दा रख्त। दा दरवाजा, दा दरवाजा, दरवाजा। दरवाजे में दा की आवाज आ रही है। अब दरवाजा तीन आवाजों में है, दर दारे दर वाले वा जे जा, दर वा जा, दर वा जा, दा दरवाजा। अब दाल की मुख्तलिफ अशकाल को समझते हैं। असली शक्ल दाल की ऐसे है और ये हरूफ लाइन के ऊपर आता है। इसकी इब्तदाई शक्ल ऐसी होगी, दरमियान में भी दाल ऐसा आएगा, उसका कोई दरमियानी शक्ल नहीं है वैसे, और आखिर में दाल ऐसे आएगा, या पूरी शक्ल दाल की आएगी ऐसे, यानी शुरू में दा और आखिर में दाल। दांत में अब दाल का किस तरीके से आ रहा है? दाल पूरी शक्ल आ रही है। जदीद में भी आप देखिए दाल की पूरी शक्ल है, जदीद है। और इस तरीके से खात में भी पूरी शक्ल आ रही है। दूसरा हरूफ ले लेते हैं हम, ईद। ईद में देखिए ऐसे आ रहा है शोशा दाल का। या एक और लफ्ज ले लीजिए, चांद। चांद में भी दाल का ये वाला शोशा आ रहा है, यानी कि दांत, जदीद, खाद, शुरू में दा और आखिर में दाल। अब दाल लिखने का हम तरीका सीखेंगे। नुक्ते से पीछे की जानिब गोल घूमकर लकीर पर बैठ जाना, यानी पीछे की जानिब घूमेंगे और घूम के लकीर के ऊपर ही हमें ठहर जाना है, बैठ जाना है। इसी तरीके से नुक्ते से शुरू करेंगे और घूम के आके हम इस पे बैठ जाएंगे लकीर के ऊपर, यानी ये भी कह सकते हैं थोड़ा सेमी सर्कल सा जैसा हम लोग को बनाना है। ये नुक्ते से पीछे घूम के आके लकीर के ऊपर ही हमें बैठ जाना है। दाल गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह मश करने से आप इसको सीख लेंगे, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, थोड़ा सा सेमी सर्कल जैसा सा आ जाएगा, ओवल शेप में। देखिए नुक्ते से पीछे से घूम के आके लकीर पर बैठ जाना है। नुक्ते से पीछे आएंगे और गोल घूम के लकीर के ऊपर बैठ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? दाल।